कैसे हैं आप सब भाई, हो अच्छे होंगे। मेरा नाम है आरबी अदुरम भाई, आप देख रहे हो टेक्नो 2.0। आज हम बताने वाले हैं कुछ इस तरह के शादी कार्ड का बनाने वाले हैं, जो आपको दोनों को PLV फाइल देखने को मिलेगा। ये पार्ट वन है, ये पार्ट टू है, दोनों का PLV फाइल एक ही फाइल में मिलेगा। जो PLV फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। और एक बात, पूरी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में फाइल में पासवर्ड लगा हुआ है। जो फाइल में पासवर्ड आपको 4 स्टेप में देखने को मिल जाएगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इन दोनों फाइलें के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस PLV फाइल को पूरा वीडियो देखने के बाद फाइल को अनजिप कर लेना है। अनजिप करने के बाद कैसे ऐड करना, अभी हम बता देते हैं। तो ऐड करने के लिए आपको पहले बता दें, हमारा थंबनेल है जो आपको ये स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। तो हम इसमें पहले PLV फाइल कैसे ऐड करेंगे, वो भी हम बता देते हैं। तो PLV फाइल ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर पहले पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा, जो इस तरह का दिखता है। तो पिक्सल एप्लीकेशन ओपन करने के लिए, ओपन करने के बाद PLV फाइल कैसे ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए यहाँ पर .3 आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद नीचे से आपको तीसरे स्थान पर ओपन PLV फाइल का ऑप्शन देगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके मेरा यहाँ पर दोनों फाइलें यहाँ पर पहले से ऐड है, तो हम इन दोनों को हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद आपको जो नए वाला प्रोफाइल मिला है, यानी नए वाला PLV फाइल मिला है, तो उसको कैसे ऐड करना है। तो दोनों प्रोफाइल को पूरा वीडियो देख के पासवर्ड जान के अनजिप करके छोड़ देना है। उसके बाद आना पिक्सल है, पिक्सल है आने के बाद यहाँ पर इसी वाले फाइल में आना, जहाँ पर जैसे मैं बताया 3 लाइन पर क्लिक करके ओपन एंड ऐड PLV फाइल पर क्लिक करके। उसके बाद आएंगे कुछ इस तरह से, आपको देखने को जितना पहले से PLV फाइल जो आपका ऐड होगा, तो कुछ इस तरह देखेगा। वरना नए वाला PLV फाइल ऐड करने के लिए आपको .PLV फाइल पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक तीर का ऑप्शन दिखे, इस पर क्लिक करेंगे। और जहाँ भी फाइल को अनजिप करके रखें, तो सर डाउनलोड में आएंगे, तो डाउनलोड वाले में रखे होंगे तो डाउनलोड में जाना है। बाकी बाहर ही रखें तो बाहर ही आपको उस फाइल को खोज लेना है। तो मैंने यहाँ पर प्रोफाइल का नाम पहले से यहाँ पर हमने रखा हुआ है, जो आपको हम दिखा दें। यहाँ पर लिखा हुआ शादी कार्ड 2022 1 2, यानी आपको ये दो पार्ट में, इसमें आपको जैसे इस पर टैप करेंगे अंदर दो PLV फाइल देखने को मिलेगा, फाइल वन फाइल टू करके यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पहले आप फाइल वन के बारे में समझा देते हैं इसको। पहले फाइल वन पे क्लिक करेंगे, उसका ओपन एंड ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन कहेगा, तो आपको ओके दबा कर बैक बटन दबा देना है। तो जैसे ही बैक बटन दबाएंगे, तो आपको कुछ इस तरह का पहला प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें कैसे क्या क्या चीज़ चेंज करना, उसके लिए हम बता देते हैं। अगर आपको इस पर दोनों पर लॉक है, तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर डुओ का ऑप्शन देखा, इस पर टैप करेंगे। यहाँ पर देख लेना जो चीज़ आप चेंज करना चाहते हो, उसको आपको अनलॉक दिखेगा, तो लॉक को अनलॉक कर लेना है। अगर आपको देख रहे हैं तो इसको अनलॉक करना है, यानी आपको रेड से वैसे रेड को हटा देना है, उसको अनलॉक कर देना है। उसके बाद डुओ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे गणेश भगवान का PNG यहाँ पर पहले से उसको हटाना चाहते हैं, दूसरा कुछ लगाना चाहते हैं, उसको डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके बाद यहाँ पर आपका डिलीट का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर क्राफ्ट का ऑप्शन है। यहाँ चाहो तो इसको कॉपी भी कर सकते हो, यहाँ से आपको इसका हर चीज़ चेंज भी कर सकते हो। इसके बारे में आपको समझ में आना ही चाहिए, आता भी होगा। उसके बाद हम जैसे ही समझा रहे हैं, आप लोग शायद इसको समझ में आता होगा, हम जैसे ही आपको बात बता रहे हैं। उसके बाद आपको आ जाती है यहाँ पर लड़के का और लड़कियाँ का जो PNG है, इसको हम देख लेते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर लड़का का है या लड़की का है, या लड़का का नाम लड़की का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लड़की वाले नाम पे क्लिक करेंगे, लड़के वाले पे। यहाँ पर लड़का का नाम, जो आपको घर के गार्जियन होंगे, जो इसका शादी हो रहा है, उनका नाम रख सकते हैं, आय कुमारी, यहाँ पर जिससे शादी हो रही है उसका नाम लिख कर ओके कर देना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर पूरा उनका नाम डिटेल जाए जिसको भेजना लिख सकते हो। यहाँ पर PNG शादी का है, ऊपर श्री गणसाय नंबर लिखा हुआ है, चाहो तो इसको भी अपने हिसाब से लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहते हैं। उसका विनती का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर लिखा विनती में आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे, दो बार टैप करेंगे, सुरेश यादव लिखा हुआ है। उसके नीचे हमारा यहाँ पर कुछ पता है जो आपको घर यहाँ पर देखने को मिलेगा, मधुरिया पोस्ट बीटी आउट गोरखपुर, मोबाइल नंबर अपना लिख सकते हो। इतना ही पहले पार्ट में बस इतना ही था। चाहो तो आप यहाँ पर से फोटो को डिलीट करके दूसरा फोटो लड़का लड़की का लगा सकते हो। इस पार्ट में इतना ही था, इसको बाद इस पार्ट को कैसे सेव करना अभी हम समझा देते हैं। इस पार्ट को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिखेगा, सेव एन इमेज का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर क्वालिटी पूछेगी, तो यहाँ पर अल्ट्रा कर लेना है और सेव टू गैलरी पे सेव कर लेना है। अब इतना कर लेने के बाद आपको दूसरा पार्ट के बारे में हम बता देते हैं। दूसरा पार्ट ऐड करने के लिए आपको इतना हो जाने के बाद, आपको यहाँ पर दूसरा पार्ट लेने के लिए यहाँ पर फिर से 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओपन ऐड पर जाएंगे, फिर से उसी वाले फाइल पे जाना, ओपन PLV फाइल पे। अब फिर से आपको 3 यहाँ पर लाइन क्लियर कर लेना है। उसके बाद आपको उसी फाइल पे फिर से चले जाना, जो शादी कार्ड का प्रोफाइल आपने डाउनलोड किया था, जिस फाइल में अनजिप किया था उसमें आएंगे। अब यहाँ पर आपको शादी कार्ड 2 को ऐड करना है, फिर से ओपन वही वाला आपको प्रोसेसिंग करना है।
अगर हमारी बात आपको समझ में आती होगी तो प्लीज़ भाई आप नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं दूसरे पार्ट में आपको क्या क्या चेंज करना है। दूसरे पार्ट में आपको यहाँ पर लड़के का नाम चेंज करना है, लड़की का नाम चेंज करना है। उसके नीचे उनके गार्जियन का घर नाम होगा, जो सुपुत्र सुपुत्र जो हैं आप यहाँ पर लिखते पुत्र यहाँ पर श्री सुरेश यादव, ग्राम पोस्ट यहाँ पर क्षेत्र जो भी हो आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर लड़की वाले के नीचे भी आपको वही प्रोसेसिंग करना, उनके पूरा गांव का नाम, उनका क्षेत्र का नाम और उनके थाना जो भी हो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब उसके नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, दो बार टैप करेंगे और यहाँ पर अपना दिनांक डाल सकते, जो भी दिनांक शादी का हो, यहाँ पर जो भी आपका जिस दिन हल्दी हो, विवाह हो या तो कुछ और भी आप अगर रखना चाहते हैं, उसके नीचे यहाँ पर कैप करके यहाँ पर स्पेस दे के नीचे यहाँ पर जो भी आप डालना चाहते हैं डाल के आपको डन कर देना है, ठीक है, इस तरह कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए, इस पर टैप करेंगे, जो भी आपका मांगलिक कार्यक्रम के अनुसार से जो लिखना चाहते लिख सकते हैं। उसके नीचे मैंने आपको यहाँ पर डिजाइनिंग में अपना नाम डाला है, जो आपने अपना नाम खुद डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, यहाँ मेरा डिजाइनर आरबी यादव मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है दूसरे चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आय कुमार जो आपके घर के शादी हो रही है और यहाँ पर अनुरोध लिखा हुआ है, आप इसको चेंज करके अपने घर का नाम लिख सकते हो। उसके नीचे आपको उनका डिटेल पता जो आपको उनके सुपुत्र हो और माता पिता का नाम, पोस्ट भीटिया शहर गोरखपुर जो भी लिखना चाहते लिख सकते हैं। इधर आपको उसके बाद आता है संघ वाले में, संघ वाले में लड़की का नाम, उसके नीचे आपको लड़की के माता पिता का नाम और पूरा डिटेल, ठीक है। अब यहाँ पर उसके नीचे आपको यहाँ पर आना है दर्शन अभिलाषी में, जो उनके घर के लड़के हों या फिर आपको आपके पूरा परिवार हो उनका नाम लड़के का लिख सकते हैं, आगे समस्त यादव परिवार जो भी लिखना चाहते हैं जिस बिरादरी को लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाता है यहाँ पर स्वागतकर्ता में, यहाँ पर स्वागतकर्ता में जो आपके घर के गार्जियन हो, बड़े पापा बड़े अम्मा जो बड़े पापा या चाचा चौही हों आप पुरानिया लोग हो तो उसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपको इसको ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे सुरेश हो ही विनती में सुरेश मोबाइल नंबर, जो भी आप अपने घर के लोगों को नाम डालना चाहते हैं लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं लिख सकते हैं, वही सेम प्रोसेसिंग है। उसके बाद आपको इस वीडियो में आपको सेव कैसे करना है वो भी हम बता देते हैं। सेव पे जाना है, सेव पे इमेज पे जाना है, यहाँ पर क्वालिटी पे जाना है, यहाँ पर अल्ट्रा वाला ऑप्शन क्लिक करना है और सेव टू गैलरी पे सेव कर लेना है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, आने वाला लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।